शॉर्ट वाउल साउंड के साथ है सो so, मदर में ओ शॉर्ट है ई भी शॉर्ट है सो so ये मैंने अंडरलाइन किया uh, e है देन रेड रेड में ई e शॉर्ट है वेलवेट में ई शॉर्ट e है शी में लास्ट ई शॉर्ट है, हेड में एच साइड एज हेड हेड में ए शॉर्ट है ड्रॉन ड्रॉन में ए शॉर्ट है सम सम में ओ शॉर्ट है एंड एंड में ए शॉर्ट है एस यू एन सन सन में यू शार्ट है हर में ई शार्ट है ड्रॉइंग ड्रॉइंग में ए शार्ट है सो नेक्स्ट रिटर्न में आई शार्ट है दैट में ए शार्ट है ही में ई शार्ट है सो ये बहुत सारे वर्ड हैं जिनमें शार्ट बाउल साउंड हैं सो कुड में वो शार्ट है नॉट में ओ शार्ट है देन इन में आई शार्ट है स्कूल में वो शार्ट है फंक्शन में आ, यू शॉर्ट है, सो so, ये मैंने अंडरलाइन की है जो शॉर्ट वउल साउंड के साथ है ये वर्ड आपने देख लेने अब लॉन्ग वउल साउंड वाले देखते हैं जिनको मैंने एनसर्कल की है बेट बेट में ए लॉन्ग है सो so, केक में ए लॉन्ग है सो so, ट्री में ई लॉन्ग है नोट बुक में नोट बुक में, नोट बुक में ओ जो नोट में है वो लॉन्ग है और नोट में ओ लॉन्ग है सो so, ट्यूब में यू लॉन्ग है एरोप्लेन में ए एनिशन लॉन्ग है नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू वर्ड्स दो अल फास्ट लिखने हैं विथ गिवन ई डी साउंड ई डी साउंड दी गई है ये टा इड और डा साउंड है ई डी की थ्री साउंड होती हैं टा डा इड इस पर कंप्लीट वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सो so, टा वाले अल्फास बैक्ट बैक्ड वॉचड हैंड पर वॉचड देखें टा साउंड में प्रोनाउंस कर रहा हूं सो uh, so, इड वाले अल्फास वांटेड नीड इट सो डा वाले अल्फास कॉल्ड स्ली सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में लुक एट द गिवन पिक्चर्स केयरफुली ये दी गई पिक्चर्स हैं इनको गौर से देखने हैं नाउ राइट द स्टोरी एलिमेंट्स स्टोरी एलिमेंट्स लिखने हैं ऑफ माउस एंड द लाइन माउस और लाइन वाली स्टोरी है इसके एलिमेंट्स लिखने हैं ट्रैक्टर्स किरदार कौन से हैं माउस है और लाइन है सेटिंग सेटिंग जंगल की सेटिंग है ठीक है जहां इंसीडेंट uh, uh, जो स्टोरी है ना वो वकू पजीर होती है रूनमा होती है uh, वो सेटिंग इस स्टोरी की जंगल की है सो प्लॉट द प्लॉट इज एक्चुअली द मेन हैपनिंग सो द स्टोरी इज द लाइन फॉर गेव द माउस हु टीज्ड हिम वाइल्ड स्लीपिंग शेर सो रहा था तो चूहे ने क्या किया था उसे तंग किया था तो शेर ने क्या किया उसे माफ कर दिया था वंस माउस सा हिम काट एक बार ऐसे होता है कि चूहा शेर को जाल में फंसा हुआ देखता है ठीक है एंड हेल्पड हिम और उसकी मदद की सो कन्फ्लिक्ट इज प्रॉब्लम टेंशन अक्रोइिंग इन अ स्टोरी स्टोरी में जो टेंशन होती है या प्रॉब्लम होती है उसे कन्फ्लिक्ट कहते हैं द लाइन वॉज कॉट इन नेट शेर जाल में फंस गया था जी ये प्रॉब्लम थी सो रेजोल्यूशन दे बिकेम फ्रेंड्स वेन व्हेन द माउस द लाइन देन दे बिकेम फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज फोकस में मेक एस एज यू कैन यूजिंग द गिवन लेटर्स दिए गए लेटर्स हैं एस टी एन ए आई ओ यू आर इनका इस्तेमाल करके वर्ड्स बनाने हैं ठीक है सो सिट सेट स्ट्रेन नेस्ट ट्रेन नेट नॉट नीट स्टोन एयर सीट टी टाई आयरन यूरिन फिर आर आउट स्टार ओस्ट Unite, रन रोज ये मैंने वर्ड बनाया है इन लेटर्स का यूज करके आप देख भी सकते हैं ये लेटर्स जो मैंने यूज किए हैं जैसे सिट सिट में एस आई और टी फिर सेट एस ये ई टी सेट सो इस तरह मैंने वर्ड्स बनाए आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द गिवन पैराग्राफ विद पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के साथ ये दिया गया पैराग्राफ है ये फिल करना है सो so, ये आपने पढ़ लेना है पहले में आई बॉट माई सेल्फ आएगा ठीक है फिर हर सेल्फ फिर देन तारिक है तो इसलिए हिम सेल्फ आएगा और वी इंजॉयड आर सेल्फ अल हट सो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मोस्टली यूज हो रहे हैं ठीक है सो so, आपने देख लेने नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन टेक्स्ट केयरफुली ये दिया गया टेक्स्ट है इसे और से पढ़ना है सर्कल द एडवर्ब्स एडवर्ब्स सर्कल करने हैं एंड राइट देयर टाइप्स अबव दम और सेकेंड काम क्या करना है और उनकी टाइप्स भी लिखनी है कौन सी टाइप है वो लिखनी है सो so, मॉर्निंग ये एट वर्प ऑफ टाइम है ठीक है ऑलवेज ये फ्रिक्वेंसी बता रहा है कि काम कितनी बार हो रहा है ही ऑलवेज़ गो टू स्कूल वो हमेशा जा रहा है ठीक है तो ये काम की फ्रिक्वेंसी है मकदार को जाहिर कर रहे हैं कि ये जो काम है कितनी दफ़ा हो रहा है कितनी बार हो रहा है सो so, जो वर्ड बताता है कि कितनी बार काम हो रहा है वो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है सो so, डेली भी एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है दैन क्विकली क्विकली एडवर्ब ऑफ मैनर है ठीक है एडवर मैनर क्या बताता है कि काम किस अंदाज से हुआ कैसे हुआ सो ही कम्प्लीट्स इस होमवर्क विकली उसने अपना होमवर्क तेज़ी से मुकम्मल किया है so, सो तेज़ी से ये मैनर बता रहा है काम किस अंदाज से हो रहा है सो काइंडली भी एडवर्व ऑफ मैनर है सो आपने देख लेना ये देन ये री राइट करना है टेक्स्ट करेक्ट uh, पंक्चुएशन के साथ सो so, सलमान्स सलमान्स का एस कैपिटल करना है और एन के बाद ऊपर कामा आपने डालना है एस से पहले ठीक है अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे क्योंकि इधर सलमान के साथ जो पोजेशन शो कर रहा है सो so, सलमानस मदर सलमान की माँ तो इसलिए आपने यह काम करना है नेक्स्ट आपने कन्वर्सेशन के बाद फुल स्टॉप यूज़ करना है ठीक है नेक्स्ट यस uh, yes के बाद कामे का यूज़ और मदर के बाद फुल स्टॉप नेक्स्ट डी कैपिटल करना है डू का और डू से पहले आपने स्टार्ट करना है जो इन्वर्टिड कामाज इन्वर्टिड कामाज टू कामाज ऊपर आपने यूज करना है ठीक है और इन्वर्टेड कामज क्लोज होंगे इसके बाद और इधर एक और कामा भी आएगा फुल स्टॉप भी आएगा फुल स्टॉप के बाद कामा भी फिर मदर आस्क्ड आस्क्ड के बाद फुल स्टॉप का यूज करेंगे फिर लास्ट पार्ट देखते हैं राइटिंग पर है a lion or a mouse, ek moral lesson. a lion and a mouse. once upon a time, there lived a lion and a mouse. one day, the lion was sleeping. the mouse started playing on it. the lion woke up. he caught up the mouse and was going to kill. the mouse requested for forgiveness the lion let him go after some days the lion caught in a net the mouse cut the net with his teeth the lion was free he thanked he thanked the mouse moral do good have good